कहाँ चले गए? सो हे गाइस, अरे जल्दी आओ। हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द प्री टेटर के व्लॉग्स। लोल, मैं अभी तक अपने चैनल का नेम चेंज नहीं कर पाया हूँ। मैं समझ नहीं आ रहा कि मतलब अभी पता है जो नेम सोचा है ना, उसका मतलब कि जो होता है ना, जुबान पे बैठ नहीं रहा, क्योंकि नाच लो। हाँ, तुम नाच लो। अरे क्या भाई, कैसे परेशान हो तुम? अरे व्हाट्स द मैटर ये ब्रो, वी आर गोइंग आई एम गोना किल यू। नो, यू पार्कर करेंगे। ओके, सो कार एकदम बढ़िया तरीके से क्लीन अप हो चुकी है। आप पीछे भी देख लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, एकदम साफ कर दिया मैंने। तो अब बताते हैं इस गाड़ी का काम क्या है। अंदर बैठ के बताऊं या फिर यहीं पे? मैं भी ठीक ठाक लग रहा हूँ ना। हाँ, क्या आपको याद है मैं जब पुणे गया था तो एक भैया थे, ये वाले, यही वाले। तो पुणे ना जाके ये पुणे से आगरा में करवा रहे हैं अपनी रिंग सेरेमनी। तो हमारी पूरी फैमिली उस फंक्शन में बहुत तहे दिल से इनवाइटेड है, तो हम लोग जस्ट उसी की तैयारी कर रहे थे। गाड़ी तैयार है, मैं तैयार हूँ, और हमारे साथ हमारे मामा जी भी जा रहे हैं। अब मामा जी जा रहे हैं तो फिर मोनू भाई कहाँ पीछे छूट जाएंगे। बोलो हर हर महादेव। मामा कटप्पा, मामा कैसा लग रहा हूँ मैं? बढ़िया। सही बताओ, एकदम झकास। अच्छा जी, आपने पिंक वाली खाई ना? मैंने बिग बबूल खाई बेटा। ओ बिग बबूल, ये है बड़े काम की चीज। ओए, तो मोनू भाई आपको अभी तक की रोड ट्रिप कैसी लग रही है, थोड़ा बता दो। यार बस अच्छी बोल के खत्म कर देता हूँ, मैं इतना लंबा बोलता हूँ तो बस अच्छी बोल के खत्म कर देता हूँ पूरा सेंटेंस। बिल्कुल एटलीस्ट मैं कुछ लग तो रहा हूँ। पलट पलट पलट, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, और यहाँ से हनी भाई चलाएंगे गाड़ी। चलो अब मैं एटलीस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। मोनू भाई के पास बैठूंगा, मामा पीछे, पापा पीछे और मम्मी पीछे। हाँ, ये च्युइंगम है, ये मेरे भाई ने डाल दी, सब खराब कर दिया मेरा, इधर का जूता मेरा पूरा खराब हो गया। ऑल सेट मोनू भाई, ये क्या कर दिया आपने? क्या है वो पैंट पे? अच्छा, शाबाश, हो गया ना काम अपना, अब ऐसे हो जाओ ठीक है। चलो मोनू भाई, चलो चलो दादा, सीट बेल्ट पहन लो। मेरे को भी हनी दादा पे भरोसा है, हनी अच्छी चलाता है। बस स्पीड पे थोड़ा कंट्रोल रखे, वरना पापा को थोड़ा भरोसा है, मम्मी को पता नहीं, मम्मी को है, मामा की तो बिल्कुल क्या हालत टाइट है। देखो हाथ जैसे पकड़े ना, उससे पता चल रहा है। तो बहुत देर से आप लोगों ने मजे ले लिया, अब लो आप सिनेमैटिक्स के मजे। मुजफ्फरनगर से चलते चलते मेरठ, मेरठ से दिल्ली, दिल्ली से नोएडा, नोएडा से अब हम लोग आ चुके हैं नोएडा। एक्चुअली नोएडा में ही है, तो अब नोएडा से हम लोग पकड़ेंगे ताज एक्सप्रेस वे, जिससे हम आगरा जाएंगे। तो अभी छोटा सा स्टॉप लिया है इसके लिए। आइसक्रीम टाइम, हैव मोर, इट इज गुड, नॉर्मल। और मोनू भाई आइसक्रीम कैसी थी? ए, तुमने खा ली? खत्म कर दी? उसकी याद आएगी अभी। अच्छा, आई नहीं है? ए झूठे, क्रंची नहीं खा के तो देख एक बार, क्रंची खा के देख, इससे अमूल की बढ़िया है कि नहीं क्रंची। ओले, मेरी सीट खराब कर दी। जेंटस टॉयलेट। तो अभी ताज एक्सप्रेस वे पे जो ये स्टॉपेज आता है ना, अभी इधर है। मैं जिनको ढूंढ रहा हूँ वो यहाँ पे नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए, मे बी शायद जेंटस टॉयलेट गए होंगे। मैं गया था अंदर लेकिन दिखे नहीं, तो फिर मैं वापस आ गया। मामा श्री तो ये रहे, अब बालक पता नहीं कहाँ चले गए। ओ, बालक आ गया, एक बालक आ गया यहाँ पे। कैसा लगा भैया वॉशरूम? क्या बोल रहे, फाइव स्टार वाली फीलिंग थी? हाँ, चलो उसी में चलते हैं, चलो आ जाओ। चलो मामा घुटिए ना गाड़ी, ठीक है। चलो भैया, कौन सी गाड़ी बेटा, लेफ्ट वाली राइट वाली, कौन सी वाली है? कौन, अच्छा कौन सी है बेटा? बच्चे कम चला, ठीक है। चलो मामा खाना खा लो, भूख लग रही होगी ना, चूहे दौड़ रहे होंगे ना, डायनासोर। वो मम्मी पता है यहाँ पे लाइट होना चाहिए था ना, लाइट होती तो आप कितनी चमकती। खाने में है आलू का भरता, पूड़िया, और मोनू भाई।
क्या है? अचार भी है, अचार भी है, अचार भी है, कहाँ है? मुझे अचार नहीं दिख रहा। ऑल सेट, चलो चलते हैं आगे की तरफ भी तो जाना भाई। यहाँ से ड्राइवर सीट के बगल वाली सीट पे हमारी मम्मी हमको सहारा देंगी। मनु भाई आप ड्राइव करोगे? फिर तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। कहाँ पे? वेरी डार्क जोक। क्या आपको दिख रहा है? गूगल मैप्स। हम लोग फाइनली आगरा पहुंच चुके हैं और G20 समिट का एकदम मस्त तरीके से भाई आगरा का एकदम ही लुक चेंज कर दिया है। एंड हाँ, मैं आपको बता दूं, आगरा में करीब 40% मे बी शायद 40% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है मेट्रो का, बट स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस एज मम्मा सेड। वाओ, न्यू कंसेप्ट, कलरफुल रेनबो। यहाँ पे देखो, मतलब मेन रोड पे स्ट्रीट लैंप्स लगा रखी है एकदम बाहर वाली की तरह। आगरा ने मस्त प्रोग्रेस किया। तो आपसे मिलवाते हैं जो बलि का बकरा बनने वाला है। मीट द ग्रूम मिस्टर रूपेंद्र प्रताप सिंह। अभी मैं वही कह रहा हूँ, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कराओ वरना ऐसे ना हो कि ऐसे ऐसे रिंग डाल रहे हो और नीचे की तरफ गिर पड़े। लो, मेरे नाम का ढाबा चूज किया आज रात के डिनर के लिए। 6 घंटे की ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस ड्राइव थी, 6 घंटे की। आ जाओ। पता है मैं आप लोगों से पहले आ गया इसलिए मैं लिफ्ट यूज नहीं करता कभी। तो हमारा रूम नंबर कौन सा है? 307 307। हाँ पापा, कल के स्टेज वाले गिफ्ट का जुगाड़ हो गया, यही भी ले चलेंगे। ठीक है, पसीना देख रहे हो भाई। आगरा में आके ना मिड यूपी में जितना गर्मी, इतनी गर्मी है बहुत ज्यादा। तो 307 के बदले 306 हमारा रूम नंबर है। मैं आपको एक थोड़ा सा रूम टूर दे देता हूँ, तो चलो रूम टूर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन गेट आ गया। अंदर आपको ऐसे भैया मिलेंगे जो बताएंगे कि कहाँ से स्विच ऑन होता है, स्विच ऑफ होता है। और 2 बेड मिल जाएंगे। यहाँ पे पिताजी बैठे हैं, माताजी, दूल्हे राजा, और एक यहाँ पे कबर्ड दे दिया अपना स्टोरेज सामान के लिए। और बाथरूम हनी का काम तो हो जाएगा लेकिन मेरे लिए बैंड बजेगी। बस मुझे है ना इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम है, मतलब मैं समझा नहीं सकता। तो आप आगरा कैसे आए, जरा अपना रूट बता दो मेरे को। पुणे टू अमृतसर, और पूरे बॉडी की बैंड ऑलरेडी बच चुकी है क्योंकि ड्राइवर को होता है कि इधर उधर हिलने का टाइम नहीं मिलता, तो ड्राइविंग में सबसे ज्यादा तकलीफ ड्राइवर को होती है। ठीक है, मे आई कम इन? ऐसा मुझे लगा मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया। नहीं, जब आपको बहुत थके हो और उसके बाद आपको नींद चाहिए हो तो आपको क्या करना चाहिए? अपने दोनों हाथ उठाएं, जय माता दी बोलें और तो ब्रो आपको रूम कैसा लगा? मतलब रात कट जाएगी ना भाई, सुबह की तो मेरे को प्रॉब्लम है। सोचो सुबह उठेगा मैं, प्रेशर बनेगा, फिर सोचो क्या क्या होगा। एक मिनट, मैं तो आपको नीचे छोड़ के आया था ना, आप यहाँ क्या कर रहे हो? दिस फ्लावर है सुपर नेचुरल पावर। तो ये फाइनल वाली गुड बाय है क्या? 2 बजे ओके, मैं लगा दूंगा। गुड नाइट, आराम से जाना। ठीक है, थैंक यू ब्रो। खाली कर दूंगा मैं। भैया ने सारे फ्लावर उखाड़ उखाड़ के ऐसे यहाँ पे इकट्ठे कर दिए। तो अब भैया आराम से पहुंच जाएंगे, अभी हमारा डिनर आ रहा है। टाइम वैसे बहुत हो चुका है लेकिन कोई नहीं, इतना तो चलता है, हम लोग भी तो काफी मेहनत करके पहुंचे हैं। हनी मस्त है भाई। क्यों भाई? क्योंकि बैड है और बैड इज जस्ट लाइक अ क्लाउड है ब्रो। नाइस ब्रो। खाने से पहले तो यार मेहनत हमारी ज्यादा हो रही है। तो ये आ गया हमारा रात का खाना, जिसमें है हमारी शाही पनीर और ये है हमारी दाल मखनी, सैलेड और रोटियां। तो ये डाल लिया हमने अपनी शाही पनीर, इसमें जाएगी हमारी दाल मखनी, थोड़ी थोड़ी डाल लेते हैं जस्ट टेस्ट के लिए। ये रही रोटियां और ये रहा सैलेड, ये हमारी प्लेट कंप्लीट। अब बारी है टेस्टिंग की। खाने की टेस्टिंग तो कर लिया, एक्चुअली खाना खाई लिया, इतना स्वादिष्ट था। वैसे तो मुझे आप लोगों को जला के दिखाना था कि कैसे खाते हैं खाने इतने लजीज। तो इनकी शाही पनीर थी ना वो एकदम मीठी मस्त, मुझे मीठी शाही पनीर अच्छी लगती है। एक्चुअली पनीर की मोस्टली डिशेज मेरे को मीठी अच्छी लगती, बट ऐसी मीठी भी नहीं कि एकदम चीनी चीनी हो जाए।